नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं ब्रिजेश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से एक ऑफिशियल विज्ञप्ति दोस्तों जो है कार्यकलाप कार्यालय ज्ञाप दोस्तों आप लोगों के लिए जारी हुआ है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप सभी लोगों को कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय ज्ञाप सत्र 2019-20 में MA प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों की परीक्षाएं COVID-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों वश लॉकडाउन हो जाने के कारण संपन्न नहीं कराई जा सकी थी। तदक्रम में MA प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों को प्रमोशन नियमावली के अंतर्गत द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जा चुका है। वर्तमान में ऐसे छात्र MA द्वितीय वर्ष में प्रवेशित हैं तथा MA द्वितीय के अधिकांश विषयों में लघु शोध प्रबंध का भी प्रश्न पत्र उपलब्ध है, जिसे MA प्रथम वर्ष में 55% अंक होने पर ही परीक्षार्थियों को उक्त विषय प्रदान किया जाता है। परंतु MA प्रथम वर्ष के छात्रों का प्रमोशन होने के कारण उनके अंकों का निर्धारण द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्ष 2021 में किया जाएगा। अतः उपरोक्त के क्रम में परीक्षा समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार MA द्वितीय वर्ष 2021 की परीक्षा में छात्र द्वारा वैकल्पिक प्रश्न पत्र में सैद्धांतिक प्रश्न पत्र का चयन किया जाएगा तथा MA द्वितीय वर्ष की परीक्षा संपन्न होने पर प्राप्त अंकों के आधार पर तदनुसार प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम पूर्ण किए जाने के उपरांत यदि छात्र छात्रा को MA प्रथम वर्ष में 55% अंक प्राप्त होते हैं तो उनके द्वारा द्वितीय वर्ष हेतु लघु शोध प्रबंध का चयन किए जाने पर सैद्धांतिक प्रश्न पत्र को हटाते हुए एक निर्धारित समयावधि में उनके लघु शोध प्रबंध संबंधी समस्त कार्यवाही को पूर्ण कराते हुए द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के आदेश एतद् द्वारा निर्गत किए जाते हैं। और दोस्तों, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी के द्वारा दोस्तों यह जो है अधिसूचना जारी की गई थी, कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया था। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, संदर्भ जो है CSJM विश्वविद्यालय COE 1164/2021। तो दोस्तों, किसी भी ऑफिशियल सूचना के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल पर जो है प्रत्येक यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।